हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में थोड़ा वक्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, होंडा कंपनी अपनी एक क्रूज़र बाइक को लॉन्च करने वाली है, जो कि आपको 125 सीसी सेगमेंट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ में प्राइस काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। बजट के अंदर प्राइस रखने वाली है कंपनी। तो इस बाइक में आइए जानते हैं कि अपने को कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, बाइक का क्या प्राइस रखने वाली है कंपनी, साथ ही दोस्तों बाइक को कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, सारी बातें वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो लुक्स को मैंने आपको बताया कि वीडियो के शुरू में बता दिया कि क्रूज़र सेगमेंट में लॉन्च हो रही है, तो क्रूज़र लुक ही आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा, जो कि लुक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इस बाइक का। बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग सेटअप के बारे में। तो फ्रंट में आपको राउंड शेप के अंदर LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, विथ आपको LED टेललाइट देखने को मिल जाएगी रियर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो इसके इंडिकेटर हैं वो आपको हैलोजन बल्ब के अंदर ही मिलेंगे। इंजन के बारे में बताऊं तो इसमें आपको 124.5 सीसी का एयर कूलिंग इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी पावर आपको 11 bhp तक की मिलने वाली है। बाकी दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम में इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा सेफ्टी वाइज आपको साइड स्टैंड कटआउट सेंसर भी देखने को मिलेगा। वहीं वह बात आती है मीटर कंसोल के बारे में। तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि भाई ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा ये बाइक आपको 5-speed गियरबॉक्स के साथ में मिलने वाली है दोस्तों, जिसमें कि आपको इजीली माइलेज देखने को मिल जाएगा 45 से लेके 50 kmpl तक का, और अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो आपको 55 kmpl तक का भी आपको माइलेज मिल सकता है। बात आती है दोस्तों अदर फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको USB चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों बात आती है सस्पेंशन के बारे में। तो इसमें फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बात आती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो इसमें आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसमें स्टार्ट करने के लिए सेल्फ और किक दोनों ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इस बाइक का आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा 1 लाख रुपए के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, एक्स शोरूम प्राइस इस बाइक का 1 लाख के आसपास में रहेगा, और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का चला जाएगा लगभग 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये के बीच में। वहीं पर दोस्तों बात आती है लॉन्च डेट के बारे में। तो इस बाइक को फेस्टिवल सीजन के अंदर 2024 में लॉन्च किया जा सकता है, या दोस्तों 2025 के स्टार्टिंग में भी इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। तो इस बाइक को लेके आपकी क्या राय है कि इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।